स्वागत है आपका विशेष बुलेटिन में। मेरे साथ मौजूद है पिंकी खंडेलवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में आज सियासी हलचल तेज है। सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन भर दिया है। पर्चा भरने से पहले ममता बनर्जी शिव मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंची, हल्दिया में पदयात्रा भी की। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ने भी आज रोड शो कर नंदीग्राम में शक्ति प्रदर्शन किया और हनुमान जी के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लिया। गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तमाम हलचल के बाद नए मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म हो चुका है। आज शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुना गया। तीरथ सिंह उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तीरथ सिंह रावत के विधायक दल का नेता चुने जाने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। कोरोना काल के बाद आज पहली बार संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। जिन लोगों की ड्यूटी बंगाल में लगी है वो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएं। कोरोना काल के बाद आज पहली बार संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। जिन लोगों की ड्यूटी बंगाल में लगी है वो अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाए। देश का हौसला और शौर्य बढ़ाने वाली खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। INS करंज पनडुब्बी आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। करंज पनडुब्बी दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आए बिना 45 से 50 दिनों तक पानी के अंदर सफर कर सकती है। स्पेशल स्टील से बनी इस पनडुब्बी में ऐसी ताकत है जो पानी में ज्यादा गहराई तक जाकर काम करने की क्षमता रखती है। ये पनडुब्बी 221 फुट लंबी और 40 फुट ऊंची है, जिसका वजन लगभग 1,556 टन है। ये 350 मीटर तक की गहराई में भी जाकर दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। ABP News आपको रखे आगे।